स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बरखा जी डैन नहीं है और ना ही वो कोई काली शक्ति है। हम जानते हैं, हम यहाँ बरखा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं, क्योंकि तुम मोहना की संतान हो, उसके उत्तराधिकारी मतलब काली शक्तियों के होने वाले राजा। चूड़ी को छूते ही फ्लैशबैक में जो जगह आती थी तो यही जगह है। तो मिसेस जी कहाँ है? मिसेस जी, मिसेस जी, मिसेस जी, मिसेस जी, देखा आपने, हम आपको ढूंढ लिए, अब हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है? कौन हो तुम और चुड़ैल लोक में क्या कर रहे हो? चुड़ैल लोक? हाँ, चुड़ैल लोक, जहाँ मरने के बाद चुड़ैलें आती हैं। लेकिन तुम तो जिंदा हो, फिर तुम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ अपनी मिसेस को लेने आए हैं। ये हमारी धर्म पत्नी है, इनको ले जाने आए हैं। ये तुम्हारी धर्म पत्नी थी, अब नहीं। अब ये मर चुकी है और सारे रिश्ते बंधनों से मुक्त हो चुकी है। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। चुड़ैल होने के नाते तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए। हाँ, तो चुड़ैल के साथ साथ हम रीवा वंशी भी हैं, जो कभी हार नहीं मानते हैं। और हमें पता है, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। लेकिन इसका नहीं है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? बताओ ना तुम। हमारी मिसेज यहाँ नहीं रहना चाहती है, तभी वो हमको मैसेज भेजी है। इसलिए हम आए हैं अपनी मिसेज को यहाँ से ले जाने के लिए, और हम लेके जाएंगे। तुम गलती कर रहे हो। ठीक है, गलती कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं गलती। रोक सकते हो तो रोक लो, ठीक है? देखो मेरी बात मानो तुम। अरे भाई, तुम कौन हो, काहे माने तुम्हारी बात? मैं गुफा हूँ। देखो गुफा बहन, हम तुमको एक बात बताते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी मिसेज हमको यहाँ मतलब मिली है, तो हम इसको यहाँ छोड़ के तो नहीं जाएंगे। हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे। और रही बात तुम्हारी, तो जो तुम्हारा काम था वो हो गया है पूरा, बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट का। तो अब तुम हो जाओ शांत, हमको हमारी मिसेस को ले जाने दो। डबली बेटा, बस जल्दी से हमें अपने साथ घर ले चलो। अपनों को वापस पाने का ये लालच तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कभी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बरखा जी डैन नहीं है और ना ही वो कोई काली शक्ति है। हम जानते हैं, हम यहाँ बरखा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं, क्योंकि तुम मोहना की संतान हो, उसके उत्तराधिकारी मतलब काली शक्तियों के होने वाले राजा। तो बोल सकते हैं। पिया, संभाल के, इन लोगों ने मुझे शील्ड में बंद कर दिया है, मेरे करीब मत आना। तुम काली शक्तियों के होने वाले राजा हो अंश। ये आवाज कहाँ से आई? ये लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे। हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी का पता नहीं चला अभी तक। ये ऐसे आकाशवाणी में बात करते हैं। मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। इनके बिना बोले हम इन्हें सुन सकते हैं। इनफ, मैं काली शक्तियों का राजा नहीं बनने वाला, क्योंकि काली शक्तियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जहां से आए हो वापस चले जाओ, क्योंकि आप लोग जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो यहाँ नहीं मिलने वाली है। जिसकी हमें तलाश है वो तुम ही हो अंश। तुम होली को टाल नहीं सकते। जब तक तुम ये दो चांद रात रस नहीं पियोगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में चांद डूबने वाला है, तब तक मुझे इन्हें बातों में उलझा के रखना होगा।
काली शक्तियों का राजा नहीं बनना चाहता तो तुम लोग इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, नहीं होगा इसका असर, क्योंकि ये दो चांद रात रस पीने का असर तभी होगा जब इसे पीने वाला अपनी मर्जी से पिएगा, ना कि मजबूरी से। हाँ, तो तुम लोग चाहकर भी मुझे रस पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बस एक बार चांद डूब जाए और सनराइज हो जाए, उसके बाद ये लोग पावरलेस हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो हम तक पहुंच रहा है अंश, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं। अरे बाप रे, ये लोग तो दिमाग की बात भी पढ़ लेते हैं। भले तुम लोग मेरा दिमाग पढ़ सकते हो, लेकिन तुम लोग कुदरत को नहीं रोक सकते। सूरज को अपने वक्त पर उगना ही होगा और उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त तुम्हारे पास नहीं है अंश। मतलब सूरज के उगने का इंतजार है ना, लेकिन अब सूरज उगते ही तुम्हारे घर वाले अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अब ये लोग चांद की वजह से ही जीवित हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें ये रस पीना है या अपने परिवार को हमेशा के लिए खोना है। उससे पहले मैं तुमको खत्म कर दूंगा। हमारे साथ लड़ने में समय बर्बाद करोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। रस पी लो और हमारे राजा बन जाओ, उसके बाद हम भी तुम्हारे गुलाम होंगे। दो चांद वाली रात को जब उस कप में से दो चांद रात रस बाहर निकलती है तो उस रस को पीने वाली सबसे पहली काली शक्ति काली शक्तियों का राजा या रानी बन जाती है। सॉरी बा, सॉरी पिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हम तुमको दिल से थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि बगैर तुम्हारी मदद के ना ये पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, बहुत लेट हो गया है, तो हम लोगों को सोना चाहिए। काहे कि जब हम भोर में जल्दी उठेंगे तभी ना कोई तरीका अपने दिमाग में लाएंगे तुम्हारी अम्मा को इस तस्वीर से बाहर कैसे निकालना है। चला जाए सोने रे डफलिया, ए डफलिया। जिंदा है कि हमारी आत्मा है? अंश, 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 क्या हो गया? उठ अंश, आंखें खोल अंश। ये प्याला तो खाली है।
इसका मतलब अंश ने वो रस पी लिया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।